नमस्कार दोस्तों, आई एम संग्राम सिंह, एसएस मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से स्टडी करेंगे लाभ हानि पर। देखिए दोस्तों, आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं टाइप 18 है। देखिए लाभ हानि पर हम फिर से स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आते हैं, रेलवे में, पटवारी में, रिट में, सभी में आते हैं। देखिए, एक रुपए में 12 टोपी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए एक रुपए में कितनी टोपियां बेचनी होंगी? देखिए दोस्तों, मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए थे कि उसमें एक ही लाभ हानि दे रखा था और एक बार बेचने वाला दे रखा था। देखिए आपकी बात, देखिए ये बेच रहा है, एक रुपए में 12 बेच रहा है। देखिए क्या हो जाएगा, एक टोपी कितने में बेचेगा? 1/12 रुपए में बेचेगा। अब देखिए बेच रहा है तो इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। पहले क्रय मूल्य निकालेंगे तो गुणा में देखिए हानि होती है। तो देखिए हम क्या करते हैं, 100/ में क्या करते हैं, जो भी हानि लाभ होता है वो क्रय मूल्य निकालने के लिए नीचे करते हैं। तो हानि हो रही तो 100 में 20 घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा। अब देखिए 20% लाभ कमाने के लिए एक रुपए में कितनी टोपियां बेचनी होंगी? अब ये बेचने वाले मूल्य की विक्रम मूल्य निकालना है। भाई इसमें बेच रहा विक्रम मूल्य दे रखा था और क्रय मूल्य हमने निकाल लिया, ये क्रय मूल्य आ गया। अब हम विक्रम मूल्य निकालेंगे। देखिए विक्रम मूल्य के लिए लाभ हानि हम हमेशा ऊपर लेते हैं। अब ऊपर लेंगे, देखिए 20% का लाभ है तो 120/ क्या जाएगा, 100। ये 100 कैंसिल। अब देखिए 12 से 12 कैंसिल, 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 1/ क्या आ गया, 8। तो ये देखिए एक रुपए में 12 टोपी थी, अब ये एक रुपए में क्या आ जाएंगी, एक रुपए में 8 टोपियां बेचनी होंगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप 2-3 सेकंड में आराम से कर सकते हो। आपको देखिए ओनली पहले तो क्रय मूल्य निकालना है। पहले क्या करना है, पहले वाले में क्रय मूल्य निकाल दिया, फिर उसके बाद में जो लाभ हमें दे रखा है, चाहे लाभ देगा तो 100 में 20 जोड़ देंगे, ये 20 जोड़ दिया हमने और हानि होती तो 80/100 आता। तो ये हमने पहले क्रय मूल्य निकाला फिर विक्रय मूल्य कर दिया डायरेक्ट। तो 1/8 आया है तो 1 रुपए में कितनी हो जाएंगी, 8 रुपये बेचनी होंगी। ये आपका आंसर होगा। देखिए दोस्तों अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा अंतर देखिए इसमें, भाव का दे रखा है। भाव कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 1 रुपए में बेचे वो, जरूरी नहीं कि 1 रुपए में वो लास्ट में भाव दे, किस भाव से निम्न बेच रहा है, भाव कोई भी हो सकता है, 4 रुपए में बेच दे, 5 में बेच दे। लेकिन आप देखिए पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए आंसर क्रय मूल्य निकालेंगे, 3 रुपए में 8 है तो 1 रुपए में कितनी आएंगी, 3/8। नींबू कितनी आएंगी, 1 रुपए में नहीं, 1 नींबू कितने की आएगी, 3/8 की आएगी, गुणा में। अब देखिए 25% क्या दे रखी है, हानि। हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 तो ऊपर आएगा। अब हानि देखिए 100 में ये घटेगा, 25 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, गुणा में। अब इसका विक्रम मूल्य करेंगे, विक्रम मूल्य करेंगे तो 20% का लाभ है वही है, 120/ में क्या आ जाएगा, 100। ये 100 से 100 कैंसिल। अब देखिए 8 से 1 कट रहा है, 8 एकम 8 कितने, 4, 8 × 40। अब ये 15 × 75 हो रहा है, ऊपर 3 आया है नीचे 5 आया है, तो इसका मतलब हुआ कि 3 रुपए में 5 नींबू बेचेगा, 3 रुपए में 5 नींबू बेचेगा। देखिए 3 रुपए में ये 8 के भाव से थी, अब ये देखो 3 रुपए में किस भाव से आई है, 5 नींबू बेच रहा है, फिर उसको क्या लाभ हो रहा है, देखो 20% का। देखिए 8 नींबू बेचेगा, देखिए हानि श्योर ही है, 5 नींबू बेचेगा तो लाभ भी होगा, कि 3 तो इसके पास बच गए, फिर दोबारा दूसरे को दे सकता हो, तो इसके पास एक लाभ हो गया। देखिए अब देखिए हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। देखिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार आते हैं, इसमें देखिए क्या करना, पहले तो हम आपको बेसिक बताएंगे। देखिए बेसिक क्या है इसका, देखिए क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो मानना क्रय मूल्य, मानना क्रय मूल्य एक्स, क्या मान लिया हमने, क्रय मूल्य को एक्स मान लिया। अब देखिए विक्रम मूल्य, देखिए 8000 रुपए में बेच रहा है, तो विक्रम मूल्य हमारा 8000 हो गया। अब क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, देखिए हानि हो रही है तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है,
अब अन्य कितने बराबर हो रही है, क्रय मूल्य के एक बटे पांच भाग, के मतलब का के किया है तो वो गुणा होता है, तो क्रय मूल्य हमने क्या माना, एक्स, एक्स मान लिया, एक्स के कितने भाग के बराबर है, एक बटे पांच बराबर में देखिए क्रय मूल्य हमारा एक्स है माइनस विक्रय मूल्य कितना है 8000 रुपए, विक्रय मूल्य है 8000 रुपए। अब देखिए, अब यहां देखिए एक्स को इस साइड में लेके आएंगे तो देखिए ये एक्स बटे पांच है, माइनस में एक्स बटे वन कर सकते हैं, इधर ये माइनस का क्या है 8000 है। अब देखिए यहां पर पांच एलसीएम लेंगे तो देखिए पांच का इसमें करेंगे डिवाइड तो वन आएगा, वन को एक्स है, एक्स माइनस में क्या हो जाएगा ये फाइव है एक्स। अब देखिए माइनस का 8000 है, अब देखिए माइनस का क्या हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा यहां पर ये माइनस का, माइनस के 4x, माइनस के 4x अपॉन में क्या है 5, माइनस और माइनस कैंसिल, अब 4 × 2 = 2000 हो गया। अब यहां देखिए एक्स है, एक्स की वैल्यू हम यहां से करें एक्स इक्वल में क्या हो जाएगा 5, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 10000, तो एक्स क्या था हमारा करंट मूल्य था, करंट मूल्य फाइंड करना था तो क्या आ गया हमारा 10000 रुपए आ गया। अब देखिए ये देखिए बेसिक था आपका कॉन्सेप्ट से आराम से, लेकिन ये थोड़ा बड़ा पड़ता है कंपटीशन में, आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए, देखिए एक सेकंड दो सेकंड में आपको ये बताऊंगा, आप खुद समझ जाओगे कि हाँ बहुत अच्छा ट्रिक है आपका। देखिए देखिए ट्रिक देखिए, इसमें क्या है 8000 रुपए है, इसको यहां पर रखो गुणा में, यहां पर कितने भी रुपए दे सकता है। अब देखिए ये हानि दी है, हानि दी है चेक करें मूल्य बराबर कितने भी हानि दो, एक बटे पांच है, एक बटे पांच है तो इसका हमने क्या करें, देखिए हानि देगा तो घटाएंगे, पांच में एक गया तो चार, हानि दिया तो हमने घटा दिया, अगर यहां पर लाभ देता तो हम जोड़ देते, अब घटाएंगे देखिए एक बटे पांच क्या आएगा 4/5 आएगा, इसको हम कर दो उल्टा, 4/5 क्या करेंगे उल्टा करेंगे तो 8000 है, इसको हम उल्टा करेंगे 5/4, 4 × 8 और 3 0 5 × 2 क्या आ गया 10000, ये आपका आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है। ओनली क्या करना है, जो भी भाग दिया है उसको हम देखिए हानि होगी तो घटाएंगे, हानि का मतलब कम होता है, कम कर दिया हमने इसको 4/5 आ गया, अब इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो जो भी दे रखा है विक्रय मूल्य, फिर उसके बाद में हम इसको काटेंगे तो 2000 आ गया, 5 × 2 = 10, ये आपका आंसर था। बेसिक में ये याद है, लेकिन बेसिक में देखो पूरा कॉन्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में तो आपका एक लाइन में आंसर है। देखिए दोस्तों अब हम उसी टाइम में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपको मैंने जो ट्रिक बताई थी वो बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा। देखिए दोस्तों अब 750 है, सेम ऐसे करेंगे, देखिए अगली बार क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है, लाभ दे रखा है तो 1/4 है तो इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे दोनों में, 4 × 1 क्या हो जाएगा 5, तो 5/ क्या आएगा 4 आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे उल्टा करेंगे 4/5, देखिए 5 से हम काटेंगे तो 15 × 75 = 0 और 15 × 4 = 60 और 1 = 0 है तो ये 600 हो गया आपका करे मूल्य, ये आपका आंसर है। देखिए एक सेकंड दो सेकंड में देखिए कुछ नहीं करना इसमें, आराम से देखिए जो भी लाभ हमने दे रखा है उसको देखिए लाभ है तो जोड़ दो और उसके बाद में उल्टा कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, हानि है तो घटा दो और उसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइप, देखिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं, टाइप 20 है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आते हैं, रेलवे एनटीपीसी जो भी परीक्षाएं होती है कंपटीशन के बैंक है सभी में आते हैं। देखिए ए किसी वस्तु को 8000 रुपए में खरीदकर 20% लाभ पर बी को, ये ए है उसने 8000 रुपए में खरीदा और बी को 20% लाभ पर बेच दिया, पुनः बी है उसे 10% हानि पर सी को बेच दिया, तो ये कह रहा है कि सी का करंट मूल्य, देखिए ए बी और क्या दे रखा है सी, 8000 रुपए ए ने 8000 रुपए में खरीदा, 20% लाभ है, देखिए 20% लाभ है तो इसको हम करते हैं 20/100
तो क्या हुआ, एक बटे पांच लाभ है, तो एक जोड़ देंगे क्या जाएगा, छह बटे पांच। देखिए अगर हमें सी का पूछ रहा है तो मतलब कि पहले का देखकर लास्ट का पूछ रहा है बाद का, तो हमें गुणा करेंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, वो उल्टा नहीं करेंगे। अगर पीछे का पूछता तो इसको हम उल्टा करके लिखते, इसको हम छह बटे पांच ही लिखेंगे। अब देखिए बी उसे 10% आनी पर, 10% आनी है तो परसेंट घटाया, एक बटे दस आया, हानि है तो हम घटाएंगे, लाभ होता तो जोड़ते, तो दस में गया तो नौ बटे दस आया, तो नौ बटे दस हम यहां पर करेंगे। देखिए दोस्तों अब हम आगे करते हैं, देखिए अब ओनली पहाड़े आने चाहिए, देखिए एक जीरो से कैंसिल, अब देखिए पांच से हम यहां पर कट करते हैं, पांच एकम पांच, तीन पांच की तीस, एक जीरो है। देखिए सोलह सिक्कम छियानवे, 960 गुना में नौ, अब देखिए एक जीरो है, नौ सिक्की चौवन, पांच नौ ना इक्यासी और पांच छियासी। देखिए सी ने उसे कितने में खरीदा, 8,640 में खरीदा। देखिए आप बहुत अच्छी ट्रिक है ये, आप पहले तो 20% लाभ था फिर हानि है, चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते। देखिए आपको दूसरी ट्रिक और बताऊंगा, आपको ये काटने की जरूरत भी नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दूसरा ट्रिक करते हैं हम, देखिए दोस्तों दूसरा ट्रिक देखिए, 8,000 रुपए है, पहले का दे दिया लास्ट का पूछ रहे, तो आगे का गुणा देखिए, लाभ है तो जोड़ दो 120/100 कर दो, और देखिए हानि है तो 90/100 क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए दो जीरो कैंसिल, दो जीरो ये कैंसिल, 12 निम्न 108 गुणा में क्या है 80 है, 1,088/64 और 8 एकम 8, ये देखिए ये आंसर आपका आ गया। चाहे तो आप इससे कर लेना, चाहे मैंने पहले बताया है उससे कर लेना, दोनों ही ट्रिक बहुत अच्छी है, आप आराम से आंसर कर सकते हो। अब देखिए हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोहन ने एक गाय सोहन को 20% लाभ पर बेच दी तथा सोहन ने रोहन को 25% लाभ पर बेच दिया, यदि रोहन ने 900 रुपए दिए, ये कह रहा है कि रोहन ने उस गाय के 900 रुपए दिए, तो मोहन ने गाय कितने में खरीदी थी। देखिए दोस्तों पहला नाम है मोहन, पहला नाम है मोहन, फिर नाम है सोहन, फिर नाम है सोहन और फिर नाम है रोहन। देखिए रोहन ने उसके 900 रुपए दिए, रोहन ने 900 रुपए दिए, अब देखिए मोहन ने सोहन को 20% प्रॉफिट पर, फिर सोहन ने 25% प्रॉफिट पर। देखिए लास्ट का दे रखा है, पहले का पूछा है, तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में ए ने दे दिया था ए का और सी का पूछा था, तो हमने ये लाभ हानि थे जो भी थे उसे वो ऊपर किए थे, अब हम पीछे के पूछ रहे तो उल्टा कर देंगे, 900 900 लिखेंगे 900। देखिए अब देखिए ये उल्टा करेंगे, देखिए 25% लाभ है, लाभ है तो देखिए 100/100 क्या करेंगे 125, अब ये भी लाभ है तो 100/100 क्या करेंगे 120। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 से देखो 25 चौका 100, 25 पंजू 125, 5 2 10। अब देखिए 12 7 84 6, 12 5 60, 4 2 8 है 75 को अगर हम 8 से गुणा करेंगे, देखिए 8 5 40, 4 8 7 56 और 4 60, तो कितना जाएगा गाय का मूल्य, मोहन ने गाय 600 में खरीदी थी। देखिए आप आराम से कर सकते हो, लास्ट का देखकर पहले पूछे तो इसको उल्टा करेंगे, पहले का देखकर लास्ट का पूछे तो उल्टा नहीं करेंगे, जो है वैसे ही करेंगे। देखिए दोस्तों अगर ये ट्रिक पसंद आई हो, 3 टाइम मैंने आज करवाई है, तो आप लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए, जितना लाइक सब्सक्राइब करोगे देखिए वीडियो है आपको पहले मिलेगा सभी को, जैसे ही मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा। देखिए और किसी को शेयर कीजिए, किसी का भला हो उसके, तो आप शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा
तो और कोई भी देखेगा, बेनिफिट सभी को मिलना चाहिए। धन्यवाद।